हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या से लाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंटेड फैब्रिक में स्लीव्स की कटिंग करना, कि किस तरह से हम लोग प्रिंटेड फैब्रिक में स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपने अभी तक प्रिंटेड फैब्रिक में स्लीव्स कट करने में डरते हो या फिर कोई गलती हो जाती है, तो आज के इस वीडियो में आपको मैं इस तरह से समझाऊंगी कि जिससे कि आपकी बिल्कुल भी परफेक्ट स्लीव्स कट होगी और कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी स्लीव्स जो है दोनों स्लीव्स एक ही हाथ की बन जाती है, तो वो चीज़ नहीं होगी आपके साथ में आज का वीडियो देखने के बाद। और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और सारे साइज का नाप लगाना मैं आपको बता दूंगी, मतलब छोटी स्लीव्स भी बड़ी स्लीव्स भी सारी स्लीव्स की कटिंग आज सीख जाओगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है जिससे कि आप मतलब गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने यहाँ पर स्लीव्स के लिए फैब्रिक निकाला है। आपको यहाँ पर मैं कटिंग करना बताऊंगी। तो ये मैंने मतलब किसी सूट वगैरह के लिए नहीं कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसकी एक फ्रॉक बनाई थी, आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। तो उसी फ्रॉक की फैब्रिक बची हुई थी, तो बहुत से लोग मेरे पास प्रिंटेड फैब्रिक में स्लीव्स की कटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये फैब्रिक बचा था उसी में मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। कैसे फोल्ड किया है, इसको हमने दो फोल्ड में किया है ना, और ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर से इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा कितना लेयर में हो गया, चार लेयर में। देखो, हमने यहाँ से हमें दो स्लीव्स निकालनी है, तो दो स्लीव्स के लिए हमें चार लेयर में फैब्रिक को रखना है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, जिधर साइड से हम लेंथ निकालेंगे ना अपनी स्लीव्स की, उधर साइड हमारा फोल्डेड साइड होना चाहिए। तो इस तरह से इसको हमने ऐसे रखा। रखने के बाद यहाँ पर हम अपनी लेंथ लेंगे, तो इधर भी है हमारा फोल्डेड साइड और इधर भी है, तो आप कोई भी साइड ले सकते हो अपनी स्लीव्स की लेंथ के लिए, लेकिन हम यहाँ पर इधर साइड स्लीव्स की लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से बराबर से रख लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से अब रखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम स्लीव्स की लेंथ निकालेंगे। तो आपको जितनी भी स्लीव्स की लेंथ रखनी है, ठीक है, चार इंच की स्लीव्स रखनी है, छः इंच की स्लीव्स रखनी है, आठ इंच की स्लीव्स रखनी है, दस इंच की, जो भी आपको लेंथ चाहिए उसमें से आपको क्या करना है। पहले तो आपको देखो, यहाँ पर मैं आपको निशान लगाना बता देती हूँ। मान लो यहाँ पर मुझे छः इंच की स्लीव्स रखनी है, ठीक है। तो हमने ये छः इंच लिया और ये तो हमें तैयार चाहिए, लेकिन हमें फैब्रिक भी आगे से भी फोल्ड होगा, क्योंकि ये बिना अस्तर वाली स्लीव्स है, तो इसके लिए हमें आगे से भी फैब्रिक चाहिए फोल्ड करने के लिए। और हाफ इंच जो हमारा सूट हो या फिर हमारा ब्लाउज हो, वहाँ पर जुड़ेगा जाके, तो वहाँ पर हमारी स्लीव्स लगेगी, जुड़ेगी, तो वहाँ पर भी फैब्रिक चाहिए। तो हम यहाँ पर एक इंच आगे के लिए लेंगे और हाफ इंच इधर साइड के लिए लेंगे। मतलब कि यहाँ पर हमें जैसे छः इंच की स्लीव्स रखनी है, तो डेढ़ इंच पूरा प्लस करके लेंगे, तो आएगा हमारा साढ़े सात इंच। तो हम इसकी लेंथ कितनी निकालेंगे, साढ़े सात इंच। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर साढ़े सात इंच पर निशान डालना है। ये हमने साढ़े सात इंच पर निशान डाल दिया और आगे की साइड हमारा एक इंच है, तो यहाँ पर भी हम निशान ऐसे डाल देते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको डालना है तो ये निशान डालिए, नहीं डालना तो नहीं डालिए। बस आपको क्या करना है, जितनी स्लीव्स की लेंथ रखनी है उसमें से डेढ़ इंच प्लस करके ले लेना है और बस इस तरह से पॉइंट देना है। अब जो हमने यहाँ पर पॉइंट दिया है, वहीं से हम नीचे की साइड को आएंगे, तो ये जो है हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा जाके, यानी कि हमारा ब्लाउज हो या सूट हो, उधर साइड जो ज्वाइन होता है वही चीज़ हम इधर बता रहे हैं। इधर साइड हमारा आगे की साइड का गोलाई, जो हमारी स्लीव्स हम अंदर हाथ डालते हैं तो वो होती है, और जो हमारा इधर साइड जो ब्लाउज में या सूट में जुड़ता है जाके, वो हमारा इधर से निकलेगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ हमें कितनी लेनी है, ये चीज़ समझिए। तो इसकी लेंथ हमको रखनी है जैसे हमारा जो भी स्लीव्स का साइज है, तो जैसे हमारा स्लीव्स का साइज है 32 साइज है, तो 32 को हम चार से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब जो 8 इंच आया है उसमें हाफ इंच ऐड कर लेंगे, तो जो भी आपका साइज है उसे चार से डिवाइड करना है, मतलब चार से भाग देना है और उसमें आधा इंच और ज़्यादा बढ़ा लेना है जो भी आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साढ़े आठ इंच पर एक लाइन खींच लेते हैं, ये पॉइंट हमने दिया, और ये पॉइंट देने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो देखो, ये हमने यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच दिया है। अब हम इधर भी एक लाइन खींच देंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमने यहाँ पर ऐसे लाइन खींचा और एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें जैसे 6 इंच, देखो यहाँ पर हर एक साइज में ये जो हम गोलाई गहराई देते हैं ना, हर एक साइज में अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कॉपी में मैंने लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मूले हैं मेरे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसकी वैसे मैंने कॉपी बनवाई है, आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर आपने इसकी पूरी थ्योरी नहीं नोट की है तो जाकर थ्योरी वाले वीडियोज़ में जाकर देख लेना और इसको नोट कर लेना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है वो आपको समझाती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये स्लीव्स का जो पैटर्न बनाया हुआ है, तो यहाँ पर देखो अगर आप छोटी स्लीव्स यानी कि 3 से 4 इंच तक की स्लीव्स बना रहे हो तब आपको ये गहराई देना है यहाँ से 1.5 इंच अंदर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर जैसे एल्बो स्लीव्स बना रहे हो तब आपको 2 इंच देनी है। और अगर आप कोहनी के नीचे तक की स्लीव्स बना रहे हो तो यहाँ पर आपको 2.5 इंच पर देना है। और अगर आप फुल स्लीव्स बना रहे हो तो 3 से 3.5 इंच तक की ये गहराई देनी है, ठीक है। तो चार तरह की हमारी स्लीव्स बनती है। एक तो छोटी स्लीव्स हो गई जो कि हमारी 3 या उससे छोटी या फिर 3.5 या फिर 4 इंच ऐसे करके होती है ना, तो उस तरह में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारी थोड़ी सी 6 इंच की लगभग है, तो हम यहाँ पर पूरा 2 इंच पर गहराई देंगे। इस तरह से ये हमने इंच टेप रखा और ये हमने यहाँ पर 2 इंच पर पॉइंट दिया। तो ये वाला पॉइंट हमें कैसे देना है, अपनी स्लीव्स की लेंथ के अकॉर्डिंग देना है। अगर आपकी स्लीव्स 4 से 5 इंच तक की है तब आप, मतलब 3 से 4 इंच तक की है तब आप 1.5 इंच दीजिएगा। और अगर उससे बड़ी है तब फिर यहाँ पर यहाँ तक की, मतलब 4 इंच से ऊपर अगर आप 11 इंच तक जा रहे हो तो फिर 2 इंच पर देना है। और फिर उससे आगे जा रहे हो जैसे कि 13 इंच 14 इंच 15 इंच पर जा रहे हो स्लीव्स की लेंथ में, तो फिर आपको 2.5 इंच पर गहराई देनी है, ये वाली गहराई, ठीक है। और अगर आप फुल लेंथ में जा रहे हो तो फिर आपको 3 या फिर 3.5 इंच की गहराई देनी है। इस तरह से ये हो गई हमारी फुल स्लीव्स लेंथ, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव्स का जो हम यहाँ पर अंदर की साइड गहराई देते हैं उसका मतलब निशान हमने यहाँ पर डाल दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हम यहाँ से यहाँ तक जो निशान डालते हैं तो ये हम स्लीव्स की लेंथ के अकॉर्डिंग डालते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मान लो ये हमने यहाँ पर 6 इंच की स्लीव्स रखी, तो हमने अंदर की साइड 2 इंच पर निशान डाल दिया। अगर आप यहाँ पर पूरी फुल लेंथ ले रहे हो ब्लाउज की, मतलब स्लीव्स की, तो यहाँ पर आपको 3 इंच या फिर 3.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम हल्का सा ऐसे गोलाई कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद आगे की साइड अपने स्लीव्स की नाप डालना है यानी कि फिटिंग का निशान डालना है। तो मान लो ये हमारा 5 इंच है तो ये हमने 5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है, तो ये हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया। अब जो हमने मार्जिन लिया है तो इस कोने वाले निशान से और मार्जिन वाले पॉइंट से हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, मिलाते हुए दोनों पॉइंटों को ऐसे लाइन खींचा। अब इसके ऊपर लगभग 1 इंच पर पॉइंट देना है और उसी पॉइंट से हम इधर साइड को इस वाले पॉइंट से निशान मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर निशान मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, कटिंग करने से पहले हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी स्लीव्स का पैटर्न पूरा ऐसे ही रहता है। आपकी एल्बो स्लीव्स हो, आपकी फुल स्लीव्स हो, कोई भी स्लीव्स हो, बस यहाँ पर चेंज क्या होता है, ये चीज आपको गहराई देने में सिर्फ चेंज करना पड़ता है। अगर आपकी फुल स्लीव्स है तो ये गहराई अंदर आएगी और इससे छोटी है तो फिर इधर जाएगी, ये चीज बस चेंज होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर आगे की साइड जो हमारा बंद भाग है ना, इसे भी हम खोल देंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद अपनी स्लीव्स को ऐसे ओपन करके रखेंगे। तो ये हमने रखा। अब यहाँ पर इसको रखने का तरीका देखो, ये हमने यहाँ पर इसको सीधा करके रखा है, उल्टा साइड हमारा नीचे की साइड है, ठीक है, इस तरह से रखना है। और अब जो दूसरी वाली स्लीव्स रखेंगे उसको ऐसे रखेंगे, यानी कि उल्टा साइड ऊपर की साइड को और सीधा साइड अंदर की साइड को। तो दोनों स्लीव्स का सीधा साइड हमने बिल्कुल मिलाते हुए, दोनों को अंदर करते हुए रखा हुआ है, और जो हमारा उल्टा साइड है वो हमारा बाहर की साइड को दोनों का रखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से स्लीव्स रखने का तरीका होता है, चाहे प्रिंटेड स्लीव्स हो चाहे विदाउट
प्रिंटेड स्लीव्स हो, ऐसे ही रखना है कि बस आपको सीधा साइड अंदर रखना है और उल्टा साइड दोनों का बाहर रखना है, ठीक है। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हम एक साइड से हाफ इंच अंदर की साइड पॉइंट लगाएंगे, ये हमने पॉइंट लगाया, और यहाँ पर हल्का सा ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेनी है, ये हमने गोलाई किया और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो बस इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर कट किया है। तो कैसे कट किया है, देखो यहाँ सेंटर पर हमारा पूरा कपड़ा है और इधर कम होता हुआ चला आया है, फिर इधर बिल्कुल कम हो गया है, ऐसे ही हमने इधर भी किया है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पर अपनी स्लीव्स पर छाट देना होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये छाट क्यों देना होता है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ता है जाके, जिससे कि हमारे फ्रंट पार्ट में झोल ना आए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर मतलब ये छाट नहीं लगाओगे ना, तो आपके ब्लाउज हो या फिर सूट हो, तो वहां पर क्या होता है, फिर हमारे झोल आने की बहुत ज्यादा समस्या होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये छाट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी होती है। और यहाँ पर अगर आपको थ्योरी भी नोट करनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जहाँ पर मैंने थ्योरी की सारी वीडियो दी है, आपको एक एक करके नोट करवाया है सारी चीजें। तो अगर आपको भी देखना है और नोट करना है तो जाइएगा मेरे उस वाले प्लेलिस्ट में, जहाँ पर लिखा होगा थ्योरी की क्लासेस, तो वहाँ से आप सारा कुछ सीख लेना और देख लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। जहाँ पे भी समझ नहीं आया है आप मुझसे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।